लोगों को सफलता दो तरीके से मिलती है, एक व्यक्ति पर जबरदस्ती थोप दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उस सफलता को मेहनत कर करके हासिल कर लेता है। हमारे देश में ऐसे जाने कितने पाखंडी गुजरे हैं और आज भी मौजूद है जो सफलता के हकदार है नहीं, लेकिन उन पर सफलता थोप दी गई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में सफलता के हकदार थे और उन्होंने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि इंसान को देर से ही मगर कोशिश करने पर सफलता मिलती जरूर है। आइए बात करते हैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके 9 साल के अंदर मदर की डेथ हो जाती है। पढ़ाई के दौरान भी काफी परेशानियों की वजह से ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। जब 21 साल के होते हैं तो अपने फादर से अलग हो जाते हैं। 23 साल की उम्र में जब नौकरी मिलती है तो कुछ समय के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। 24 साल की उम्र में बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं लेकिन बिजनेस में फेल हो जाते हैं। 26 साल की उम्र के अंदर जिस लड़की से वो मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। और इतना सब होने के बाद 27 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन फिर से आगे बढ़ने का अपने अंदर जज्बा पैदा करते हैं। 34 साल की उम्र के अंदर चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 5 सालों बाद 39 साल के होने पर वो फिर से कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। लेकिन आज भी बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, फिर उठते हैं, खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। जब वो 45 साल के होते हैं लेकिन फिर से चुनाव हार जाते हैं। जब 47 साल के होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, वो भी हार जाते हैं। ऐसा नसीब तो शायद आपका भी नहीं होगा कि आपने आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे फेलियर टर्निंग पॉइंट देखे हैं। नहीं, ये बंदा फिर से मेहनत करता है, हार नहीं मानता है और ये 51 साल की उम्र में जाकर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनते हैं, जिन्हें लोग अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। ये उसी दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो मेहनत कर करके सफलता को हासिल करते हैं। अगर इनके जगह कोई और होता तो शायद कब का बिखर जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात जरूर होगी कि मुझे जीतना है और मैं जीत सकता हूँ, और इन्होंने जीत कर बताया। आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा असफलता के टर्निंग पॉइंट तो नहीं आए होंगे, आप क्यों बिखर रहे हैं। जब ये बंदा इतने ज्यादा फेलियर से रूबरू होने के बाद हार नहीं मानता है तो आप कैसे हार मान सकते हैं। आप उठिए तो सही, मेहनत तो कीजिए, आप सफल जरूर होंगे, मुझे आप पे भरोसा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए।